हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम इस समय ट्वेल्थ केमिस्ट्री के चैप्टर वन ठोस अवस्था को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल दोष, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे रिलेटेड जो शॉटकी दोष हैं, फ्रेंकल दोष हैं, अंतराकाशीय दोष, रिक्तिका दोष, ये सब पूछे जाते हैं। तो देखिए, क्रिस्टल दोष होते क्या हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे क्रिस्टल दोष क्या होते हैं, उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, किन किन दोष को हमें पढ़ना है, सब कुछ डीपली हम समझेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। देखिए, क्रिस्टल दोष यानी कि क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है, पहले डेफिनेशन समझते हैं। क्रिस्टलों में दोष अवयवी कणों की अव्यवस्था अथवा निश्चित स्थान छोड़ने अथवा अशुद्धि की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। मैंने आपको बताया कि ठोस में बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे अवयवी कण होते हैं, एकक कोष्ठिका होती है, बहुत सारे एकक कोष्ठिका से मिलकर क्रिस्टल जालक बनता है, ठीक है। अब जो एकक कोष्ठिका होती हैं उनमें अवयवी कण पाए जाते हैं, तो वही यहाँ पर कहा गया है कि क्रिस्टलों में दोष अवयवी कणों की अव्यवस्था अथवा निश्चित स्थान छोड़ने अथवा अशुद्ध की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी कि यदि अवयवी कण अव्यवस्थित है, एक व्यवस्था में नहीं है, तो उस क्रिस्टल में दोष होगा। यदि अवयवी कण अपना स्थान छोड़ रहा है, तब भी उस क्रिस्टल में दोष आ जाएगा, और यदि क्रिस्टल में कुछ अशुद्धियां उपस्थित हैं, तब भी उसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो इसी को हम क्रिस्टल दोष कहते हैं। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रिस्टल दोष का जो एक डेफिनेशन है, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था, पूर्ण क्रमिक व्यवस्था, देखिए यही डेफिनेशन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसी को आपको लिखना है अगर डेफिनेशन आता है, ठीक है। में कोई भी अनियमितता या विचलन क्या कहलाता है, क्रिस्टल दोष कहलाता है, ठीक है। क्रिस्टल दोष कहलाता है, ठीक है। यानी कि क्रिस्टल की जो पूर्ण क्रमिक व्यवस्था है, क्रिस्टल जो है जिसमें अवयवी कण क्रम से लगे हुए हैं, अब उस क्रमिक व्यवस्था में अगर कोई भी अनियमितता या विचलन होती है, तो उसे हम क्रिस्टल दोष कहते हैं। और जो क्रिस्टल में दोष होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो दोष होते हैं ये क्रिस्टलों के गुणों को परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि जब किसी क्रिस्टल में ये सब दोष हो जाते हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा कौन कौन से दोष होते हैं, तो क्या होता है, क्रिस्टल की जो गुण हैं उनको ये परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब हम जानेंगे कि क्रिस्टल दोष कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, सामान्यतया क्रिस्टल दोष दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं, तो उनको हम जानते हैं ग्राफ के जरिए। देखिए, इस प्रकार से हम बनाएंगे, दो पार्ट्स में इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्रिस्टल दोष जो हैं स्टूडेंट, वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन आपका इधर से, नंबर दो यहाँ पर, ठीक है। नंबर एक आपका होता है बिंदु दोष, ठीक है। नंबर दो आपका है रेखीय दोष, ठीक है। तो क्या होता है, जो क्रिस्टल दोष होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका बिंदु दोष, दूसरा है रेखीय दोष। अभी हम इनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले ग्राफ को फाइनली बना लेते हैं। तो देखिए, बिंदु दोष जो हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, तो इनको भी हम जान लेते हैं यहाँ पर एक ग्राफ के जरिए, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम नाम लिख देते हैं और एक लिखते हैं थोड़ा आगे, ताकि जगह प्रॉपर रूप से रहे, ठीक है। एक आपका ये है और एक आपका ये है, ठीक है। तो बिंदु दोष भी दो प्रकार के होते हैं, एक है रस समीकरण मितीय
दोस्त, ठीक है, नाम पर मत जाएगा, नाम थोड़ा लंबा है लेकिन टॉपिक इजी है, ठीक है। दूसरा है आरस समीकरण मितीय, आरस समीकरण मितीय दोष, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जानिए कि क्रिस्टल दोष दो प्रकार के होते हैं, एक है बिंदु दोष, एक है रेखीय दोष। अब रेखीय जो बिंदु दोष आपका है, इनको भी दो भागों में बांटा गया है, एक रस समीकरण मितीय दोष, एक आरस समीकरण मितीय दोष, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए रस समीकरण मितीय दोष को भी चार भागों में बांटा गया, समझिए पॉइंट को पकड़िए तभी आपके समझ में आएगा, इसको चार भागों में बांटा गया है, नंबर वन यहाँ, नंबर टू यहाँ, नंबर तीन एंड द नंबर फोर। अब नंबर वन जो है इसका वो है रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष, ठीक है। तो देखिए बिंदु दोष में जो फर्स्ट है रस समीकरण मितीय दोष, इसमें नंबर वन है रिक्तिका दोष, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। नंबर दो आपका है अंतराकाशी दोष। देखिए जब हम इन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे तब मैं इंग्लिश भी आपको बताता चलूँगा। तो अंतराकाशी दोष जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, जाने रहेंगे तो अच्छा रहेगा। नंबर तीन है साठ की दोष, ये चांद बिंदी नहीं रहेगा सिर्फ यही रहेगा, ठीक है, साठ की दोष, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। नंबर चार हमारा है फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल दोष, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो बिंदु दोष को भी चार भागों में बांटा गया है, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, साटकी दोष, फ्रेंकल दोष, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें साटकी दोष, फ्रेंकल दोष तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो दो आपके हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी पढ़ना जरूरी है। अब देखिए आरस समीकरण मितीय दोष को भी हम तीन भागों में बांटते हैं, ठीक है, इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, ठीक है। नंबर वन पर आपका है धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष, ठीक है, यहाँ पर बड़ा आ कर दीजिए, धातु आधिक्य दोष। नंबर दो आपका है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं केसन एक्सेज डिफेक्ट, ठीक है, केसन एक्सेज डिफेक्ट। अब नंबर दो आपका है धातु न्यूनता दोष, देखिए एक में आधिक्य है एक में न्यूनता, तो धातु न्यूनता दोष, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं केसन डिफिशियंसी डिफेक्ट। नंबर तीन है आपका अशुद्धि दोष, अशुद्धि दोष, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। तो इतना समझ में आया, एक ग्राफ आपको समझ में आया कि क्रिस्टल दोष दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष, रेखीय दोष। अब बिंदु दोष जो होता है उनको दो भागों में बांटा गया है, रस समीकरण मितीय दोष, आरस समीकरण मितीय दोष। अब रस समीकरण मितीय दोष को भी चार भागों में बांटा गया है, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, साटकी दोष, फ्रेंकल दोष। आरस समीकरण मितीय दोष को तीन भागों में बांटा गया है, धातु आधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष और अशुद्धि दोष। अब हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें समझेंगे कि बिंदु दोष क्या होता है, रेखीय दोष क्या होता है, क्योंकि क्रिस्टल जालक को दो भागों में बांटा गया था, तो पहले इनके बारे में जानेंगे फिर इनको समझेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे आपका फर्स्ट है, जो पहला प्रकार है क्रिस्टल दोष का, वो है बिंदु दोष, ठीक है। अब बिंदु दोष और दूसरा है रेखीय दोष, तो नाम से सोचिए कि किस प्रकार का दोष है। बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट, देखिए इसे हम लोग डेफिनेशन इसका करते हैं। अवयवी कणों की सामान्य आवर्ती अवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये अवयवी कण आपस में व्यवस्थित हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए, अब इन अवयवी कणों में देखिए कई अवयवी कण हैं, अब अवयवी कण की सामान्य आवर्ती अवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है, यानी कि इसकी किसी एक अवयवी कण, ठीक है, किसी एक जो यहाँ पर है आपका जालक, इसमें किसी एक बिंदु पर दोष उत्पन्न होता है, किसी एक बिंदु में दोष उत्पन्न होता है, तो उसे हम लोग बिंदु दोष कहते हैं, ठीक है, किसी एक बिंदु में। रेखीय दोष क्या होगा, रेखीय दोष में क्या होगा, इसे हम कहते हैं लाइन डिफेक्ट, इसमें जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों में उत्पन्न दोष को रेखीय दोष कहते हैं। ये जो आपकी जालक बिंदु है, इस पूरी पंक्ति में अगर दोष उत्पन्न हो जाए तो इसे हम लोग रेखीय दोष कहते हैं। देखिए पूरी पंक्ति में ये अवयवी कण उपस्थित है, अब इसमें अगर दोष उत्पन्न हो जाए तो इसे हम लोग रेखीय दोष कहेंगे,
ठीक है, तो समझ में आया। बिंदु दोष क्या होगा, जब किसी एक बिंदु पर दोष उत्पन्न हो तो उसे बिंदु दोष कहेंगे, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। रेखीय दोष क्या होगा, जब पूरी पंक्ति में दोष उत्पन्न हो जाए तो उसे रेखीय दोष कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब बिंदु दोष को मैंने बताया दो भागों में बांटा गया है, एक रस समीकरण वित्तीय, एक आरस समीकरण वित्तीय। ठीक है, तो इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि रस समीकरण वित्तीय दोष क्या होते हैं, शाटकी दोष, फ्रेंकल दोष, अंतराकाशीय दोष, सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है वो आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएँ।